उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर उदयपुर से। हिस्ट्री शीटर हुकुम सिंह पर हुई फायरिंग, उदयपुर का ये मामला। बेतला से पैसिफिक कॉलेज आने वाले मार्ग पर फायरिंग हुई, करीब 4 से 5 राउंड फायरिंग होने की सूचना आ रही है। पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग की गई है, इस तरीके की खबर है। तो सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई है। हिस्ट्री शीटर हुकुम सिंह पर फायरिंग हुई है, बेतला से पैसिफिक कॉलेज जाने वाले मार्ग पर 4 से 5 राउंड फायरिंग की गई है। पुरानी रंजिश के चलते ये फायरिंग हुई है। अब सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है। हिस्ट्री शीटर पर फायरिंग का ये मामला है, खबर उदयपुर से। तो हिस्ट्री शीटर हुकम सिंह पर 4 से 5 राउंड फायरिंग की गई है और पुरानी रंजिश के चलते इस फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंच चुकी है और जांच पड़ताल की जा रही है, किसने फायरिंग की और इस फायरिंग के बाद अब हुकम सिंह की क्या स्थिति है, इस बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो हिस्ट्री शीटर हुकम सिंह पर फायरिंग हुई है, उदयपुर में इस फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो बेतला से पैसिफिक कॉलेज जाने वाले मार्ग पर यह फायरिंग हुई, करीब 4 से 5 राउंड फायरिंग होने की सूचना आ रही है और पुरानी रंजिश का यह मामला बताया जा रहा है। पुरानी रंजिश के तहत हिस्ट्री शीटर पर शूट किया गया है। तो बेतला से पैसिफिक कॉलेज जाने वाले सड़क पर यह फायरिंग हुई। हमारे सहयोगी धीरज रावल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। धीरज, अभी फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है, हिस्ट्री शीटर हुकम सिंह पर फायरिंग हुई, क्या हालत हुकम सिंह की? बिल्कुल, उदयपुर शहर से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर उदयपुर शहर के हिस्ट्री शीटर हुकम सिंह पर जो है वो फायरिंग का जो मामला है वो सामने आया, जहाँ अल सुबह सूचना पर जो है सुकेर पुलिस मौके पर पहुंची। यह पूरा जो घटनाक्रम है वो बेतला से पैसिफिक कॉलेज जाने वाले रोड के ऊपर जो है फायरिंग की जो है वो जानकारी सामने आई। टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गाड़ी के कांच के ऊपर जो फायरिंग के निशान है वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं और करीब 4 से 5 राउंड जो फायर है वो यहाँ पर हुकम सिंह के ऊपर किए गए हैं। ये पूरा जो मामला है पुरानी रंजिश को लेकर के जुड़ा हुआ सामने आ रहा है, लेकिन फिलहाल अभी हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन शहर में इस प्रकार की खबर आने से चारों तरफ से एक सनसनी फैली हुई कि दिन मतलब सरेआम बाजार के अंदर एक स्ट्रीटर के ऊपर फायरिंग होती है, पुराना जो विवाद है उसको लेकर के फायरिंग जो होने की जो जानकारी है वो यहाँ पर सामने आ रही है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए धीरज।